दोस्तों आज की इस वीडियो में कैपजेमिनी से रिलेटेड जो डाउट हैं आपके मन में, वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ रिगार्डिंग LOI और रिजेक्शन। उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं देने वाला हूँ, बट दोस्तों यहाँ पर कैपजेमिनी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैपजेमिनी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है और आपको कितना वेट करना पड़ सकता है LOI में, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर अब आप कैपजेमिनी पे वीडियो नहीं बनाते, उसका क्या रीज़न है, तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। दोस्तों आपको भी पता है कैपजेमिनी ने ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये दिसंबर के आसपास स्टार्ट किया था, और दोस्तों यहाँ पे जनवरी बीत गई, फेब भी बीत गया और यहाँ पे मार्च आ गया, और अभी तक दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फेब में जो है यहाँ पे 15 फेब के आसपास ठीक है उनका इंटरव्यू वगैरह हो गया, बट उन्हें LOI नहीं आया। और दोस्तों उन्होंने 15 फेब को इंटरव्यू दिया और मार्च में दोस्तों यहाँ पे अभी तक उनको LOI नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, चीज़ें आपको ये समझनी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इनकी स्लो होती है, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी पास जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स कर दी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सर अब आप अपडेट नहीं देते। उसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को कोई भी अपडेट आती है ठीक है, अगर कोई भी अपडेट आती है वो दोस्तों सिर्फ यहाँ पर एक कैंडिडेट को आ रही है, और दोस्तों मान लीजिए 99 कैंडिडेट को वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो दोस्तों यहां पे मैं एक कैंडिडेट का अपडेट देख के मैं आपको कैसे अपडेट दे सकता हूं। मैं दोस्तों अगर कोई भी अपडेट आपको देता हूं तो विद प्रूफ दिखाता हूं कि यहां पे ये ऐसा मेल देखने को मिला है, बट दोस्तों यहां पे जब तक 99% लोगों को वो अपडेट नहीं मिलता मैं वो 1% का अपडेट नहीं देता हूं। हो सकता है दोस्तों वहां पे एक कैंडिडेट में जो है कोई ऐसा ग्लिच आ गया हो जिसकी वजह से दिक्कत हो गई हो, बट दोस्तों यहां पे जब तक 99% कैंडिडेट में अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तब तक दोस्तों यहां पे मैं अपडेट नहीं देता हूं। अगर कोई दिक्कत आती है तभी मैं आपको अपडेट देता हूं, बट दोस्तों यहां पे जो है अगर आप देखेंगे बहुत बार दोस्तों यहां पे जो है कैपजेमिनी एडवर्टाइजमेंट मेल भेज रही है। आपको भी पता है दोस्तों यहां पे नई कंपनी ने अभी यहां पे एल्ट्रोस के साथ दोस्तों यहां पे जो है कोलैबोरेट करके अपनी सर्विस को दोस्तों यहां पे बढ़ा रही है, और उसी के रिगार्डिंग दोस्तों बहुत सारे लोगों को मेल आ रहा है। अब दोस्तों यहां पे जो उनको मेल आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि क्या सर ये जो मेरा एडवर्टाइजमेंट का मेल आया है क्या ये सिलेक्शन से रिलेटेड है या फिर रिजेक्शन से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ना तो ये सिलेक्शन से रिलेटेड है ना ही रिजेक्शन से रिलेटेड है। वो दोस्तों ओवरऑल आपसे कनेक्ट कर रही है और कैपजेमिनी अपने एडवर्टाइजमेंट मेल भेजे जा रही है और अपने बारे में बता रही है। और दोस्तों यहां पर कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं, जैसे कि सुपरसेट प्लेटफॉर्म पे। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ था, कल परसों के आसपास जो सुपरसेट पे ट्रॉफी आपको दिख रही थी वो दोस्तों यहां पर जो है अब आपको शो नहीं कर रही होगी यहां पे अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे। और दोस्तों इनका जो सुपरसेट प्लेटफॉर्म है वो दोस्तों इतना ज्यादा दोस्तों स्लो है कि कभी कभी दोस्तों यहां पे ये क्रैश कर जाता है और इनका सुपरसेट अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहां पे एक सुपरसेट की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी कि दोस्तों यहां पे अगर आपको LOI आ जाएगा तो दोस्तों यहां पे उसके बाद क्या होगा, जो प्लेस्ड है वो आपको ऑफर्ड दिखाने लगेगा। तो ये अपडेट आया था कैपजेमिनी की तरफ से कि दोस्तों अगर आपको प्लेस्ड दिखा रहा है तो वो चीज हट गई है, अब जब कंपनी रोल आउट करेगी LOI उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको ऑफर दिखाने लगेगा। सबसे पहली चीजें दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी सुपरसेट अकाउंट पे, इसी वजह से दोस्तों यहां पे जो है बहुत सारे लोगों का दोस्तों यहां पे ऑफर्ड दिखा रहा था, प्लेस्ड दिखा रहा था, उनका दोस्तों अब यहां पे अप्लाइड दिखाने लगा है। तो दोस्तों जिनका यहां पे जिनका ऑफर्ड दिखा रहा था उनको दोस्तों यहां पे अप्लाइड दिखाने लगा है, जबकि उनको LOI आ चुका है ठीक है। तो दोस्तों यहां पे जो सुपरसेट अकाउंट है वो पूरा रिसेट हुआ है और दोस्तों यहां पे फिर से जो है अपडेट किया गया है सुपरसेट अकाउंट पे, क्योंकि दोस्तों कैपजेमिनी ने बहुत सारे दोस्तों यहां पे कैपजेमिनी को मेल किए, सुपरसेट को मेल किए बहुत सारे कैंडिडेट ने, तो इन्होंने अपडेट कर दिया कि अगर आप प्लेस्ड यहां पे हैं तो दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं कि उनको LOI क्यों नहीं आ रहा है। अब दोस्तों नया अपडेट आ गया है कि अगर आपको यहां पर कंपनी रोल आउट कर देगी LOI, मतलब कैपजेमिनी कंपनी जब LOI रोल आउट कर देगी तो प्लेस्ड से आपका ऑफर दिखाने लगेगा। तो ये चीज दोस्तों अपडेट था सुपरसेट प्लेटफॉर्म से। अब दोस्तों यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान से समझना है।
सबसे पहले यहाँ पे लोगों ने पूछा कि सर रिजेक्शन आफ्टर LOI, देखिए दोस्तों LOI आ जाने के बाद रिजेक्शन का कोई भी चांस नहीं होता। बहुत सारे लोग इससे डरे हुए हैं कि सर रिजेक्शन आ जाता है, तो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होता। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट में ऐसा अगर कोई दिक्कत आता है तो दोस्तों कैपजेमिनी कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करती है मेल के थ्रू और आपको बताती है कि आपका यहाँ पे जो आपने अपलोड किया है मार्कशीट उसमें दिक्कत है, आप उसे अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों LOI के बाद कोई भी दोस्तों यहाँ पे रिजेक्शन का चांस बिल्कुल भी नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे LOI की रियलिटी आप जानिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर 15 फेब हो गया और अभी तक LOI नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पे LOI जो है दोस्तों मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट है मैंने देखा है जिनका दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 महीने हो गए हैं तब जाकर के उनको LOI आया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमनाई की तरफ से कितना ज़्यादा टाइम लगता है और इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना ज़्यादा यहाँ पे स्लो होता है, क्योंकि दोस्तों हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से दोस्तों 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनको 4 to 5 मंथ में दोस्तों यहाँ पे LOI आ रहा है। और दोस्तों आपने अभी जस्ट 15 फेब को इंटरव्यू दिया है और दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर कि आपको LOI आ जाएगा, तो दोस्तों यहां पे ऐसा नहीं है। यहां कैपजेमिनी कंपनी अपने हिसाब से दोस्तों अपडेट देती है। अब दोस्तों यहां पे अगर किसी को LOI आ गया, अगर मैं अपडेट दे दूं और किसी दूसरे को नहीं आया, तो दोस्तों सबका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल भी अलग होता है। यहां पे दोस्तों अगर कोई ऐसी बड़ी अपडेट आती है जिसमें लगता है कि हाँ ये चीज देना जरूरी है, मैं वही अपडेट देता हूं। अदरवाइज दोस्तों कैपजेमिनी में मैं अगर दोस्तों आपको जो एडवर्टाइजमेंट का मेल आता है, अब दोस्तों इतने सारे एडवर्टाइजमेंट के मेल आते हैं, अगर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट मेल का अपडेट दूं तो दोस्तों वो देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है वो एक एडवर्टाइजमेंट मेल है, वो कैपजेमिनी सिर्फ अपना जो है एडवर्टाइज कर रही है, लोगों को बता रही है, तो वो अपना एडवर्टाइज करने में लग गई। तो दोस्तों ये कोई भी मेल होता नहीं है जिसको मैं आपको अपडेट करूं। अगर कोई ऐसा अपडेट आता है कि दोस्तों कोई सर्वे फॉर्म हो गया फिल करने के लिए, कोई ISP रिलेटेड अगर कोई भी यहां पे अपडेट आता है, तो इस तरीके के दोस्तों यहां पे मैं आपको अपडेट दूंगा। बट दोस्तों यहां पे कैपजेमिनी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो दोस्तों बहुत ही लंबी चलती है, तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट देने का कोई मतलब नहीं होता। बट अगर कोई भी ऐसी अपडेट आती है जो लगता है कि हाँ आपको देना जरूरी है, तब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ अपडेट देता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग और भी ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों वो किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 2022 की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो दोस्तों अगर यहाँ पे जो बैच चल रही है अगर वो खत्म हो जाएगी, तो दोस्तों यहां पे आपको जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप एक कैपजेमिनी कंपनी को ही दोस्तों यहां पे सिर्फ अकेले लेके बैठे हैं, तो दोस्तों ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे जो है 4 से 5 महीने LOI जब आने में लग जाते हैं, किसी किसी को दोस्तों यहां पे बहुत ही जल्दी आ जाता है, किसी किसी को बहुत ही ज्यादा लेट आता है। अब दोस्तों कितना लेट हो सकता है यहां पे अभी कोई भी डिसाइड नहीं है, तो आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे जो है अगर आप वेट करते हैं 2 से 3 महीने, तो दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और ये दोस्तों जो हायरिंग चल रही है अभी, बहुत सारे लोगों को दोस्तों एसेंचर की हायरिंग आई थी, मैंने आपको बताया था कि आप जाकर के अप्लाई ज़रूर करिएगा, तो दोस्तों बहुत सारी हायरिंग निकल रही है, आप उसमें ज़रूर जाके अप्लाई करिए। और जितनी जल्दी दोस्तों अगर आपको जॉब मिल जाती है, उतनी जल्दी दोस्तों आप अपनी जॉब को सिक्योर कर लीजिए। ये दोस्तों यहाँ पे इस चैनल का मोटिव ये है कि आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिल के सिक्योर कर लीजिए। अगर दोस्तों कैपजेमिनी के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे, और दोस्तों मैं आपको जो है अपडेट तभी दूंगा जब कोई भी बड़ी अपडेट आएगी कैपजेमिनी की तरफ से, वो दोस्तों कभी ग्लिच आ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उनका अपना इशू होता है जो रिजॉल्व करते हैं, फिर अगले दिन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाता है। मैं आपको एक हफ्ते पहले दोस्तों यहाँ पे बताऊं, एक अपडेट आया था बहुत सारे लोगों की, वो ग्लिच था सुपरसेट अकाउंट पे, और दोस्तों अगले ही दिन दोस्तों वो शो होने लगा था। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि सुपरसेट अकाउंट पे एंड्रॉयड फोन में दोस्तों आपको ट्रॉफी दिख रही है, और दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट में आपको ट्रॉफी नहीं दिख रही है। तो दोस्तों इस तरीके के जो ग्लिच है वो आते रहते हैं और वो अपने इशू रिजॉल्व करते रहते हैं सुपरसेट अकाउंट। तो ये थोड़ा सा अपडेट था जो आपको ट्रॉफी जो है चली गई। अब दोस्तों अगर कंपनी LOI भेजेगी तब आपका वहां पे ऑफर शो होगा, अदरवाइज अभी जो है ट्रॉफी हटा दी गई है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अब दोस्तों अगर कोई भी बड़ा आपको मुझे अपडेट मिलेगा वो चीज मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैपजेमिनी कंपनी काम करती है, और दोस्तों इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो दोस्तों अब की बार काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो इस वजह से दोस्तों आपको वेट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप
नहीं कुछ कर सकते, आप वेट करिए, आपको LOI आ जाएगा। बट दोस्तों कितना टाइम लगेगा इस चीज़ की दोस्तों यहाँ पे किसी को भी अपडेट नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों वो अपने बैच वाइज करके रिलीज़ करते हैं LOI जब उनको समझ में आता है, किसी को भी LOI आ जाता है। और बहुत सारे लोगों को दोस्तों मैं देखता हूँ कि LOI आता है, वो बताते भी हैं यहाँ पे मेल के थ्रू कि सर मुझे LOI आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे LOI अगर आ गया तो मैं आपको अपडेट नहीं देता, क्योंकि दोस्तों सबका यहाँ पे प्रोसीजर अलग होता है। फिर कोई कमेंट करेगा कि सर जो है मुझे LOI नहीं आया, तो दोस्तों सबका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे मैं कोई भी अभी अपडेट नहीं देता। अगर कोई बड़ी अपडेट आएगी वो दोस्तों सबके लिए आएगी, तो वो चीज़ ज़रूर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा और आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कैपजेमिनी कंपनी किस तरीके से काम करती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और आपको वेट करना है और आपको भी LOI आ जाएगा, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट दोस्तों यहाँ पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो कि दोस्तों आप बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।